ये हेलमेट और जो मोबाइल पे बात करके लोग चलते हैं, इनके विरुद्ध अभियान तो पहले भी चलाया था। पिछली बार चलाया था तो हेलमेट भी उन लोगों को प्रोवाइड कराए थे और वो इसमें माननीय न्यायालयों के भी कई आदेश हैं कि बिना हेलमेट के नहीं चलाए। बिना हेलमेट के पेट्रोल पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया था कि पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। अनेक प्रयास करने के बावजूद भी, तमाम जुर्माना करने के बाद भी नहीं मानते। तो उसमें हम यही कर रहे हैं कि अगर कोई के पास लाइसेंस मोटरसाइकिल LMV का है, मोटरसाइकिल विदाउट हेलमेट के चला रहा है या मोबाइल पे बात करते चला रहा है, तो फिर हम उसकी मोटरसाइकिल की कैटेगरी उसमें से हटा दे रहे हैं, डाउन कर देते हैं। और रिवोक करने के बाद फिर वो एक टाइम पीरियड के बाद वो व्यक्ति फिर से एंडोर्समेंट उसके लिए कराएगा। वही प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ेगा। पहले एक्चुअल में निरस्त नहीं, वो रिवोक हो रहा है शब्द। जो लाइसेंस रिवोक का अर्थ है कि कोई चीज़ आपको दी है नियमों का पालन करने के लिए और आप उसका पालन नहीं कर रहे, तो वो वापस लेने की शक्तियाँ भी उसमें दी गई। तो पूर्व में भी लगभग सभी समाचार पत्रों के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इंदौर की आम जनता को अवगत करा दिया गया था कि ऐसे दो पहिया वाहन चालक जो कि बगैर हेलमेट के वाहन को संचालित करेंगे, उनके स्पॉट पर ही लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। लगातार समझाइश के बावजूद और प्रचार प्रसार के बावजूद ऐसे दो पहिया वाहन चालक जो कि बगैर हेलमेट के वाहन चला रहे हैं, उनका आज परिवहन विभाग द्वारा और यातायात विभाग द्वारा जो संयुक्त अभियान चल रहा है उसमें उनके स्पॉट पर ही लाइसेंस कैंसिलेशन की कार्रवाई की जा रही है। मेरा हेलमेट नहीं पहना था तो यहाँ पे आया मैं, मेरा लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। एक्चुअली मेरे पास डुप्लीकेट लाइसेंस है और गाड़ी के सारे कागज है। अब जब लाइसेंस निरस्त कर दिया है तो उसका ओरिजिनल का तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो भी बोल रहे कि नहीं, जब ओरिजिनल लेकर आऊँगे, ओरिजिनल दिखाऊंगे, उसके बाद ही आपकी गाड़ी छूटेगी। तो ये कोई वो नहीं है। ठीक है, कार्रवाई सही है, लेकिन ओरिजिनल का क्या मतलब है? लाइसेंस निरस्त हो गया है। जी नहीं, मुझे पता नहीं था। मैं पहली बार ऐसी कार्रवाई में धराया हूँ, आज तक मैं कभी धराया नहीं और हमेशा अधिकतर मैं लाइसेंस लेके चलता हूँ, हेलमेट ले पहन के चलता हूँ। आज ही मेरे से गलती और आज ही मैं यहाँ धरा हूँ। लाइसेंस निरस्त कर रहे जा रहे हैं सबके सब, जितने भी हैं। बाकी ये चालान नहीं बना जा रहा। अब बोल रहे हैं 1 साल तक है ना लाइसेंस रिन्यू ना होगा और बिगर लाइसेंस की गाड़ी कैसे चलाएगा? आपको पता था कि आज लाइसेंस नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर में भी नहीं मालूम पड़ा ना, पेपर में मालूम पड़ता तो अपन पहले हेलमेट लेके चलते। बाकी इन्हें कुछ भी ऐसा कुछ सोचने, लाइसेंस निरस्त करने का तो भले ही बोल पता है ही नहीं ना कि लाइसेंस निरस्त कर देंगे। गलत हो रही है ना ये तो। नहीं वो तो अब पास में है ना, इंसान कहाँ से हेलमेट पहनेगा? दूर जाना हो तो जब भी लगा के जागना। मेरे को अब माता जी का मंदिर आना तो माता जी का मंदिर, पास में आना तो ऐसे होगा ना, दूर जाएंगे जब हेलमेट लगा के जाएंगे ना। आज क्या क्या आपका चालान कार्रवाई किया था? लाइसेंस निरस्त कर दिया उन्होंने। आगे क्या कह रहे हैं? आगे बोल रहे कि साल भर बाद बनेगा अब लाइसेंस।